जोहार दीदी। अरे जोहार किशन भैया, आइए आइए। ये दीदी कन्हैया ही ना आलो। अच्छा कन्हैया भैया, आज हमने उसको एक नया काम दिया है। काम? क्या काम दीदी? आज हमने उनको नई नई जानकारियां लाने को कहा है। जानकारी और कन्हैया? दीदी रो रो। अरे किशन भैया, आजकल वो बहुत ही आलसी हो गए थे, इसीलिए हमने उनको कहा कि आज आप हमें जानकारियां दिलवाइए। अच्छा दीदी रो रो, अपन श्रद्धा के पूरे कर ले। वो का तीर मार के आता नहीं से के हमो देखाती हो। तो किशन भैया, जब तक कन्हैया भैया आए तब तक हम किसान भाई बहनों का स्वागत तो कर ले। जोहार 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 जोहार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले रौरे में देखो खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती के लिए किसानों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम द्वारा राज्य के पशुपालक हो रहे हैं लाभान्वित। प्लास्टिक ट्रेटा वर्मी बेड द्वारा आसानी से होता है कंपोस्ट निर्माण। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक खादों के प्रयोग से स्वस्थ एवं गुणवत्ता युक्त उपज के साथ मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में कृषि विभाग द्वारा राज्य में जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जैविक खाद निर्माण के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ खाद निर्माण के लिए कृषकों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। मिट्टी और फसल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कृषि वैज्ञानिक आज जैविक खेती करने की सलाह देते हैं। राज्य कृषि विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को जैविक खाद का खेतों में इस्तेमाल के तरीके, खाद निर्माण के प्रशिक्षण के साथ जैविक खाद निर्माण को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले किसानों को अनुदान भी मुहैया कराती है। पशुपालन विभाग झारखंड द्वारा चलाई जा रही एक पंचवर्षीय योजना है बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत जिनके पास कम से कम 5 बकरियां हों, उनमें से एक योग्य पशुपालक को फील्ड गाइड के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके साथ ही 50 बकरी या 10 से 15 बकरी पालकों के बीच एक ब्लैक बंगाल जाति का बकरा दिया जाता है। वर्तमान में यह योजना राज्य के गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, हजारीबाग, गिरिडीह और रांची जिलों में लागू है। मशरूम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए वर्तमान समय है ढींगरी मशरूम की बिजाई करने का। अभी का मौसम, तापमान और आर्द्रता सभी ढींगरी मशरूम उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इस समय ढींगरी मशरूम की बिजाई कर कृषक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में लगने वाली मशरूम है मिल्की मशरूम यानी कि दुधिया मशरूम, और इसकी खेती जो है इस समय जो अभी तापमान चल रहा है 33 डिग्री से 40 डिग्री या 45 डिग्री के अंतर्गत इसकी खेती की जा सकती है। और इसको करते समय मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखें, नए बिचाले का प्रयोग करें या नए गेहूं की कुट्टी का प्रयोग करें, और दूसरी बात स्पॉन्ज जो भी लें, मशरूम की बीज जो भी लें, वो पूरी तरह से परिपक्व हो। बकरी पालक यदि अपने पाले हुए बकरियों में ये लक्षण पाते हों, जैसे शरीर का तापमान बढ़ जाना, होंठ में छाले पड़ना, दस्त होना या आंखों में गंदगी होना, तो ये लक्षण संभवतः PPR रोग के लक्षण हैं। ये रोग बकरियों में ना हो, और यदि ये रोग लग जाए तो इससे निजात कैसे पाएं, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई जो हमारे छोटे पशुओं में जो बकरी पालते हों, उन्हें बकरियों के भी उत्पादन क्षमता के साथ साथ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि बकरियों में एक प्रकार का जो विषाणुजनित रोग है वो PPR होता है। PPR के लक्षण में आप देखेंगे कि बकरियों के होंठ में छाले पड़ जाते हैं, आँख में किच्ची हो जाती है, दस्त होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो इन ये स्थितियाँ हो तो समझ जाइए कि उसे PPR का रोग हो गया है। इस रोग से बचाव के लिए उन्हें PPR का टीका जरूर लगवाना चाहिए। ये PPR का टीका अगर मेमना हो तो उसे 3 से 4 महीने की आयु पर पहला टीका होता है, उसके बाद उसके 6 महीने के अंतराल पर उसका दूसरा टीका होता है। इस टीके की मात्रा 1 ml जो है सो उसे चमड़े के नीचे दिया जाता है, और ये इसको बना के दिया जाता है बाजार में। ये टीका उसके पानी और उसके सूखे पाउडर के रूप में उपलब्ध रहता है। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से बर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है। बर्मी कंपोस्ट का ज्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक टेटा बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण करना पड़ता है, साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है जिसमें खर्च तो ज्यादा लगता ही है, साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड इन झंझटों से मुक्ति देता है। प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण को दूसरे जगहों पर लाया ले जाया भी जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए मिलते हैं आज के हमारे सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। पूरे गांव में किसी भी किसान की खेतीबाड़ी में कोई भी समस्या आती है तो वे इनसे आकर सलाह लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कई सारे कृषि प्रशिक्षण शिविरों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और खेतीबाड़ी की अच्छी जानकारी इकट्ठी की है, जिससे ये अपना ही नहीं बल्कि पूरे गांव का भला कर रहे हैं। झारखंड में होने वाले सभी फसलों का हम लोग ये खेती करते हैं, विशेषकर अदरक हुआ, बैंगन हुआ, आलू, सेम, गोभी वगैरह सभी चीज का। हमारे बाप दादा तो अपने जमाने के जो पुराने तरीके से खेती करते थे, लेकिन हम लोग चूँकि हम लोग थोड़ा ये पढ़े लिखे हैं तो हम लोग अपने तरीके से वैज्ञानिक तरीके से हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस, देवघर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, गोड्डा अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस, कोडरमा अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रही। आने वाले दिनों में इनमें फिलहाल बहुत बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1,040 रुपए से लेकर अधिकतम 2,200 रुपए, चावल मध्यम न्यूनतम 2,200 रुपए से लेकर अधिकतम 2,500 रुपए, गेहूँ न्यूनतम 1,600 रुपए से लेकर अधिकतम 1,800 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 5,600 रुपए से लेकर अधिकतम 7,200 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4,400 रुपए से लेकर अधिकतम 5,600 रुपए, दाल चना न्यूनतम 3,400 रुपए से लेकर अधिकतम 4,600 रुपए, सरसों तेल न्यूनतम 8,400 रुपए से लेकर अधिकतम 9,400 रुपए, आलू न्यूनतम 700 रुपए से लेकर अधिकतम 1,000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1,600 रुपए से लेकर अधिकतम 1,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव और जाना मौसम का हाल और नवा नवा तकनीक उपकरण और भी बहुत जानकारी पाली रो रे मन। तो जब तक कन्हैया भैया और जानकारियां लेकर आते हैं तब तक हम ले लेते हैं एक अल्प विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
विराम के बाद आप सभी का इस अंक में एक बार फिर से स्वागत है। ए दिल्ले कन्हैया आ गले इकर स्वागत कर दीदी। जोहार किशन दा। जोहार आज का जानकारी लेके आए बच्चू? अरे किशन दा, मिट्टी जांच के महत्व के बारे में जानकारी लेके आए हैं। अच्छा, तो जल्दी से बता दीजिए। अब एक एक करके बताएं कि एक साथ सब बता दें? अच्छा, एक एक करके बताओ। तो किसान भाई बहन, आज हम मिट्टी जांच के महत्व के विशेष जानकारी दिलवाते हैं आपको श्री वीरेंद्र कुमार वर्मा जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी श्री भानु घोष जी। किसी भी फसल की खेती और अच्छे उत्पादन के लिए मौसम का अनुकूल होना बेहद जरूरी होता है। फसलों का चुनाव करना खेत की मिट्टी पर निर्भर करता है, और फसलों के उत्पादन क्षमता के बढ़ोतरी के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होना महत्वपूर्ण होता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर किसानों को समय समय पर अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाते रहना चाहिए। मिट्टी में मौजूद उर्वरा शक्ति और खाद के संतुलित प्रयोग से हमारे फसल से हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। आज सरकार द्वारा हरेक कृषि विज्ञान केंद्रों तथा कृषि विश्वविद्यालयों में मिट्टी जांच की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जहां किसान अपने खेत की मिट्टी का नमूना ले जाकर अपने खेत में मौजूद उर्वरकों की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं और किस मात्रा में कितना उर्वरक का प्रयोग करना है ये भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर खेती करने से हमें अच्छा मुनाफा भी प्राप्त होता है। कभी कभी किसान बिना मिट्टी जांच कराए ही फसल अपने खेत में लगा देते हैं, जिससे समय पर उत्पादन में भारी कमी होती है, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए किसानों को मिट्टी जांच की महत्ता को समझना चाहिए और समय समय पर नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्रों पर मिट्टी जांच कराना चाहिए। किसान भाइयों, जो हमारी जो फसल का जहां हम लेते हैं वो मुख्य रूप से हमारी मिट्टी ही है जिससे हम उत्पादन लेते हैं, तो मिट्टी में हमारे कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कितनी मात्रा में हैं, इनको सबसे पहले हमको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में हैं, अगर हम इसकी जाने बिना ही खेती करते हैं तो हमको मुख्य रूप से हानियाँ उठाना पड़ता है। पहले तो इकोनॉमिक हानि होती है कि हम जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है खाद की, उसको जाने बिना हम ज़्यादा से ज़्यादा खाद दे देते हैं और हमारा वो लॉस होता है, और दूसरा हमारा उत्पादन सही नहीं होता है। तो किसान भाइयों, किसी भी फसल को लेने से पहले अपनी खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितने मात्रा में पोषक तत्व हैं। मिट्टी का नमूना लेने के लिए किसानों को खेत का चुनाव करना चाहिए। खेत के चुनाव के बाद कृषि उपकरण जैसे फावड़ा या खुरपी या तो सोयल टेस्ट किट की मदद से खेत के 10 से 12 जगहों पर वी आकार का 15 सेंटीमीटर गड्ढा खोदना होगा। फिर उसमें 2 या 3 सेंटीमीटर मिट्टी को काट कर अलग रख दें। फिर बारी बारी बचे हुए खेत के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी निकाल कर एक जगह पर सारे मिट्टी को मिलाकर उसे वृत्त आकार में फैला दें। उसके बाद उस मिट्टी को 4 बराबर हिस्सों में बांट कर आमने सामने का हिस्सा लेकर बाकी बचे हुए मिट्टी को हटा दें। इसी प्रक्रिया को बार बार करते रहना चाहिए। जब हमारे पास लगभग 500 ग्राम मिट्टी बचेगी, तब उस मिट्टी को सूखे सूती कपड़े में रखकर उस पर अपना नाम, पिता का नाम और खेत का नंबर, खेत की पहचान लिखकर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र के मृदा विभाग में दे दें, और वहां से हमें पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों में कितना अधिकता है और किस उर्वरक की कमी है। किसान भाइयों, मिट्टी का जो नमूना होता है वो लेने के लिए हमें अपने जो खेत होता है, ये नहीं होता कि खेत में सारी जो भी मिट्टी है वो एक प्रकार की है, और ये भी निर्भर नहीं करता कि हमारी एक खेत की मिट्टी एक ही प्रकार की होगी। इसलिए जो हम नमूना लें, कम से कम एक खेत में 10 से 12 जगह का नमूना लेना चाहिए, और नमूना लेने से पहले जैसे ही हम सिलेक्शन कर लेते हैं कि एक ये हमारा क्षेत्र है, दूसरा वहाँ पर है, तो वहाँ की जो सबसे ऊपर की घास और पूस है उसको साफ कर लेना चाहिए, और हमारे पास जो औजार होते हैं जैसे हमारा सॉयल टेस्ट किट आता है एक, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ देसी विधि से फावड़ा है, खुरपी है, तो अगर हम मान लीजिए हमारे पास सॉयल टेस्ट किट नहीं है तो हम क्या करते हैं, फावड़ा और खुरपी की सहायता से एक भी आकार, जैसे इंग्लिश अक्षर का भी होता है, सेम उसी प्रकार का एक भी आकार का गड्ढा खोद लेते हैं, और उसमें ऊपर से नीचे तक जिसकी गहराई 15 सेंटीमीटर होती है और दोनों दीवारों के बीच से हम 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी एक परत को काट लेते हैं। काटने के बाद
ऐसे ये क्रिया हम जितने जगह चिन्ह लगाए हैं 10 से 12 जगह एक खेत में सब जगह करते हैं, और उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उसको पूरा मिट्टी को मिक्स करते हैं, और उस मिट्टी के अंदर जो भी कंकर पत्थर होते हैं, घास फूस होती है, उसको बाहर निकाल देते हैं। उसके तत्पश्चात हम उसको एक वृत्त में फैलाते हैं। वृत्त में फैलाने के बाद उसको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, और उसके आमने सामने का 2 भाग हम ले लेते हैं और उसको आधे भाग को हटा देते हैं। फिर उस मिट्टी को मिक्स करते हैं, भुरभुरा करते हैं, और उसको फिर वृत्त बनाते हैं। उस वृत्त में आम 4 भाग करते हैं वृत्त को, फिर आमने सामने का भाग ले लेते हैं और बाकी 2 भाग को हटा देते हैं। यह प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि आधी केजी मिट्टी शेष न बच जाए। जब यह मिट्टी शेष बच जाती है तो उस मिट्टी को हम सूखे कपड़े के थैले में बांध करके, और वो जो कपड़ा का थैला है वो हमें ध्यान रखना होगा कि वो सूती कपड़े का हो और उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र न लाया गया हो या किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त ना हो, उसमें बांध करके हम रखते हैं। और बांधने के बाद उसमें हम अपने जो टैग लगाते हैं कि हमको याद रखना होगा कि हम उसमें जो टैग लगाते हैं वो उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें हम यह देखते हैं कि हम जो जिस खेत का नमूना ले करके लैब में भेज रहे हैं, कम से कम हमको याद होना चाहिए कि हम कौन से मध्यम खेत का भेज रहे हैं, कौन से तालाब के पास वाले खेत का भेज रहे हैं, ये ज़रूर उसमें इंकित कर देना चाहिए। मिट्टी जांच का सही समय गर्मियों का होता है, क्योंकि इस समय भूमि सूखी होती है। विशेषज्ञों के अनुसार मिट्टी जांच का समय एक फसल चक्र के बाद या 3 साल में एक बार अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराना चाहिए, जिससे हम अपने फसलों की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में भी मदद करते हैं। किसान भाइयों, इस समय गर्मी का मौसम है और हमारा जो पूरा फार्म है वो खाली पड़ा हुआ है, तो सबसे अच्छा मौका है कि हम इस समय मिट्टी का नमूना लेकर के और हम अपने लैब तक आसानी से उसको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस समय गीला भी मिट्टी नहीं है, सूखा मिट्टी है। तो अवश्य, क्योंकि ये हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार और हमारी जो संस्थाएं हैं वो मिट्टी की जांच निःशुल्क करती हैं, इसमें किसानों का कोई पैसा नहीं खर्च होता है। तो आप सभी को मेरी सलाह है कि वो अपने खेत की मिट्टी की जाँच अवश्य कराएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। वाह कन्हैया जी, आपने तो सचमुच महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। हाँ दीदी। अच्छा ये बता, आप कौन कौन जानकारी लेकर आए बुच्चू? अरे किशन दा, तो सबसे पहले अभी तो समय हो गया एक अल्पविराम का। हाँ। और आप देखिए ये संदेश। धनु। हाँ भाई मनु। ये बिरसा हमेशा मोबाइल में लगा रहता है, बताओ कितना कम चोरी करता है, फिर भी इसकी फसल लहलहा रही है, ऐसा क्यों? जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ भाई धनु, काला तो है। अरे भाई, दाल में कुछ काला नहीं है, हम तो किसान कॉल सेंटर में बतिया रहे थे। किसान कॉल सेंटर? हाँ, किसान कॉल सेंटर। सरकार ने किसानों की मदद के लिए ये किसान कॉल सेंटर बनाए हैं। कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो 1800-1850-1551 पर फोन कर सकते हो। अब फोन का पैसा नहीं लगता है? अरे नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। तुम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, और वो भी साल के 365 दिन। विराम के बाद आप सभी का इस अंक में फिर से स्वागत है। हाँ कन्हैया। हाँ दादा। अरे अरे दूसरी जानकारी कहाँ है बच्ची, तुम्हें बताओ, जल्दी बताओ। हाँ हाँ दादा बताते हैं, आप भी ना बड़ी फिचाते हैं। अच्छा किशन दा, हमको एक बात बतलाइए, जलवायु परिवर्तन अगर हो उसमें खेती कैसे किया जाए, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? जानकारी तो नखो कन्हैया, वकील अगर तुके जानकारी होने तो बताओ। हाँ हाँ बता दीजिए कन्हैया जी। जरूर जरूर गीता दी। तो किसान भाई बहन, अगर जलवायु परिवर्तन हो तो ऐसे में खेती कैसे किया जाए, इसके लिए लिए चलते हैं आपको डॉक्टर वीके सिंह के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कुडरमा में है, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर बीके सिंह। ये हमें जानकारी देंगे कि बदलती जलवायु में, यानी जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, इसकी इसमें खेती कैसे करें और कैसे सफलतम तरीके से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। किसान बड़ी असमंजस में है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसमें वो क्या करें,
किसान भाइयों, जलवायु आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु मतलब होता है कि जो पिछला 25-30 साल का हमारा जो मौसम का एक जो एवरेज होता है, कितना बरसात हो रहा है, कितना टेम्परेचर हो रहा है और कितने दिन बरसात हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग देखते होंगे कि पहले बरसात जो है थोड़ा इससे कम होता था, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा जैसे 1200 मिलीमीटर होता है, तो अभी हमारा 800-900 मिलीमीटर होता है, कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। लेकिन जो बरसात का दिन है, पहले 70-80 दिन हमारे जो है बरसात में पानी बरसता था, लेकिन अब आप लोग देख रहे हो वो करीब 40-45 दिन हो गया है कि एक दिन में हमारे यहाँ 70 mm, 120 mm तक भी पानी बरस जाता है। लेकिन पहले क्या था कि थोड़ा थोड़ा पानी बरसता था, आजकल क्या है कि 15-20 दिन तक एकाएक सूखा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। किसान भाई, यहाँ पर धान की खेती की जाती है और धान की खेती की जाएगी, वही एक ऐसा अच्छा फसल है जिसका हम अच्छी उपज ले सकते हैं। उसमें कुछ ऐसी वैज्ञानिक तरीके हैं जिसको आप लोग अपना कर थोड़ा अगर जो है सूखा पड़ता है तब भी आप अच्छी खेती ले सकते हैं। सर, खास करके अपने यहाँ जो मिट्टी है तीन लेयर में है। सबसे ऊपर वाले जो लेयर में हम लोग जो है जो धान लगाते हैं, धान बोते हैं, उसमें जो है सहभागी धान का अगर हम लोग प्रयोग करें, सहभागी धान बोए, जो कि एक सूखा सहन करने की शक्ति इसमें ज़्यादा होती है। अगर 15-20 दिन तक भी सूखा पड़ता है तो ये हरा बना रहेगा और इसमें जो खाली धान होता है वो कम होता है, जिसे हम लोग खखरी बोलते हैं, खखरी की मात्रा कम होती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये कीजिए कि धान की सीधी बुआई अगर हम करते हैं, क्योंकि हम जहाँ पर धान की रोपाई करते हैं हमारा बिचड़ा जो है 50 दिन का हो जाता है, कहीं कहीं कि 40 दिन का अगर हो गया तब भी हमारा नुकसान होता है। अगर हम इसकी सीधी बुआई कर दें तो हमको अच्छी उपज मिल जाएगी। इसमें खास करके जो हमारा खरपतवार होता है उसको जो है नियंत्रित करने के लिए हमारे पास विस्पारी बैग सोडियम एक ऐसी दवा आ गई जो कि उससे हम निजात पा सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं कि सामुदायिक नर्सरी हम पैदा करें, जहाँ पर हमारा कुआँ है, जहाँ पर पानी के हमारे पास स्रोत है, हम 4-5 किसान एक साथ मिलकर हम नर्सरी डालें धान की, और इसको हम 10-10 दिन के अंतराल पर 3-4 बार डालें। इससे क्या होगा कि हमको जब भी पौध लगाना होगा, जब हमारा पानी बरसेगा और खेत में प्रचुर मात्रा में पानी मिलेगा, तो कोई न कोई एक हमारा नर्सरी जो है 21-22 दिन का जो होगी उसको हम लगाएं, क्योंकि नर्सरी जो धान की लगाई जाती है 21-22 दिन का सबसे बढ़िया नर्सरी होती है। इसमें आप लोग सिर्फ ये करना है कि 4-5 लोग मिलकर 2-3 ग्रुप बनाइए और दो जहाँ जहाँ कुआँ है वहाँ पर आप 10-10 दिन के अंतराल पर नर्सरी डालें। इसमें सिर्फ ये करना होता है कि आपको मान लीजिए कि 25 किलोग्राम की नर्सरी डालनी है, तो आप उसको कीजिए क्या कि आप 20-20 किलो का 2 बार में 3 बार में डालिए। थोड़ा भले बीज का नुकसान होगा लेकिन जो आपको उपज मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, अगर आप मान लीजिए नर्सरी तैयार किए हैं और नर्सरी ख़राब हो गई, उस समय आप क्या करेंगे? आपको मान लीजिए 15-20 दिन का जो है नर्सरी हुई है, उसके बाद सूखा पड़ गया और उसके बाद आप नर्सरी डाल भी नहीं सकते हैं, तो एक नया मशीन आया है ड्रम सीडर, जिसमें कि आप कादो करने के बाद अंकुरित बीज 36 घंटे तक आप बीज को मतलब पहले बीज को भिगो दीजिए, उसमें जो है वेबस्टिन डाल के बीजोपचार कर दीजिए, 6 घंटे भीगने के बाद उसको निकाल दीजिए और फिर उसको जो है करीब 32 घंटे तक उसको आप छाया में रख दीजिए और सुबह शाम उसको जो है उसको चलाते रहिए और पानी डालते रहिए, मॉइस्चर हो क्योंकि बहुत गर्मी होती है, तो वो अंकुरित हो जाता है। उसको आप उस एक प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं वो बने होते हैं, उसमें खाने ही बने होते हैं, सिर्फ उसमें आपको डालकर और उसको चलाना होता है सीधे, तो उसमें बीज गिरता रहता है 20-20 सेंटीमीटर पर, उसकी लाइन से लाइन बन जाती है। और ये बहुत अच्छा जो है तकनीकी है, आपके निकट जो कृषि विज्ञान केंद्र है आप वहाँ पर भी जाकर इसके जो है प्रशिक्षण ले सकते हैं, और बाज़ार में भी ये ड्रम सीडर के नाम से उपलब्ध है जी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि अगर धान का अगर असमय बारिश हो रहा है तो गैप कर करके बीज अपने डालें और ये करें। इसके अलावे वैकल्पिक कोई खेती है जिसको किसान अपना के मुनाफा ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? ऐसा समय आता है कि आप ड्रम सीडर से भी आपने बुआई कर दिया है, इसके बावजूद फिर जो है अगर सूखा पड़ जाता है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि पानी तो चाहिए ही, अगर फिर आपका 10 दिन बाद नुकसान हो जाता है और ये महीना हो जाता है सितंबर लग जाता है, फिर आपका धान बोने का समय नहीं रह जाता है। तो 2-3 फसल ऐसी है जिसको कि आप सितंबर के अंतिम सप्ताह तक भी बोते हैं तो आपको अच्छी उपज मिल सकती है। खास करके एक तोरी आता है जिसको आप लोग लोटनी बोलते हैं, इसकी PT 303 प्रजाति है, या अभी एक नई प्रजाति आई है उत्तरा, ये 85 दिन में ये सब प्रजातियाँ पक जाती हैं। या आपको भवानी, अगर सितंबर का अंतिम हो गया तो भवानी एक प्रजाति है जो कि आपको 80 दिन में ही पक जाती है। अगर ऐसी प्रजाति का बीज आपको मिलता है तो आप इसको तुरंत बो दीजिए और ये 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी जो है बीज दर लगता है। दूसरी एक फसल जो आप लोग जानते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं सरगुजा,
सरगुजा भी एक ऐसी फसल है जिसको कि आप सितंबर में बोते हैं और ये दिसंबर लास्ट तक जाके काट लेते हैं, और जिन किसान भाइयों के पास थोड़ा नीचे पानी की सुविधा है, बाद में अगर पानी बरसता है और कहीं तालाब है या नदी के किनारे उनका है, तो वहाँ पर वो जो है देर की किस्म की गेहूँ भी उसमें ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक और फसल आप लोग के यहाँ कुल्थी होती है इस एरिया में, कुल्थी भी एक ऐसी फसल है जिसको कि हम वैकल्पिक खेती के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इसकी बुआई 15 सितंबर के बाद नहीं करना चाहिए, उसके पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आगे चल के इसमें फूल आने की जो है परेशानी होती है। और कोई वैकल्पिक जैसे सब्जी वगैरह भी हमारे किसान भाई करके मुनाफा कमा सकते हैं क्या? खास करके आप देखिए, भिंडी है, टमाटर है, बैंगन है, इसकी आप बड़े आराम से अच्छी खेती कर सकते हैं। और बरसात में अभी एक बरसाती प्याज की खेती आई है, क्योंकि बरसात में हम लोग के यहाँ जो जाड़े में जो है और गर्मी में हमारे यहाँ जो है प्याज की खेती होती है, और बरसात में हम अगर करते हैं तो अक्टूबर नवंबर महीने में हमको इसकी फसल मिल जाती है। अर्का निकेतन नामक ऐसी प्रजाति है जिसकी हम खेती कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बरसात में हम प्लास्टिक का टनल बना लेते हैं, एक सुरंग टाइप बना लेते हैं, जो भी हमको नर्सरी तैयार करना है अगर हम उसके अंदर नर्सरी तैयार करते हैं तो हमको जो है बरसात का जो इफेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर अनसीजनल हमको जो है सब्जी की खेती करना है तो लो टनल में अगर हम जो है पहले जो है बरसाती प्याज की नर्सरी तैयार कर लेते हैं और इसको हम जो है जून के लास्ट तक इसकी अगर रोपाई कर देते हैं तो ये एक बहुत अच्छी फसल और वैकल्पिक फसल जो है धान के रूप में, जिसमें कि आपको अच्छा नगदी और पैसा मिल जाता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ तो किशन दा, कैसी लगी ये जानकारी? क्या बात है कन्हैया, आज तो बहुत बेस बेस जानकारी दी वाले। कन्हैया जी, अब तो आप जागरूक किसान बन गए हैं। हाँ दीदी, ये बात तो है। हाँ तो किसान भाई बहन मन, अगर रोरे मन भी जागरूक बने के है तो पता लिखो। और हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 8340001। तो इसी के साथ मुझे किशन भैया और कन्हैया भैया को दीजिए इजाजत। जोहार। जोहार। जोहार।